थैंक यू। ये क्या है लला? अलीशा की तरफ से। अलीशा की तरफ से? वरदान, लैपटॉप लेकर आओ जल्दी। आपको तो पता है ना मैं आप सबसे कितना प्यार करती हूँ। बस मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत तंग किया है आप लोगों को, बहुत परेशान किया है ना, पर मैं चाहती हूँ कि उन सारी यादों की जगह आप मुझे उन पलों में याद करें जब मैंने आपसे बहुत प्यार किया है। शायद उसी प्यार की वजह से मैं आप लोगों को सच नहीं बता पाई, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद मिली थी ना आप लोगों से, तो मैं आपके साथ रहना चाहती थी, दिल से आपके साथ जीना चाहती थी उन पलों को। और अगर बता देती तो आप भी दुखी हो जाते और आपको दुखी देखकर मैं भी दुखी हो जाती, इसलिए नहीं बता पाई कि मैं बीमार हूं, बहुत बीमार, दिल की बीमारी है मुझे। हाँ देखने में बहुत टफ लगती हूँ ना, पर बेचारा दिल कमजोर रह गया, ध्यान नहीं दे पाई ना इस पे। पर डोंट वरी, हाँ मैंने कान्हा जी से रिक्वेस्ट की है कि वो मुझे जल्दी से ठीक कर दे। वो क्या है ना, मुझे अपनी गुड्डन माँ और एजे के साथ में ही रहना है, नहीं रह सकती मैं आपके बिना। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट करनी है, मम्मी का ख्याल रखना प्लीज, वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगी। मुझे पता है आप लोग गुस्सा होंगे इस बात से, पर जैसे मैं कितनी बिगड़ी हुई थी ना, कितनी बदतमीज थी, पर गुड्डन माँ ने अपने प्यार से मुझे ठीक कर दिया था ना, वैसे ही वो मेरी मम्मी को भी ठीक कर देंगी, सही रास्ते पे ले आएंगी उनको। पर आप उन्हें अकेला मत छोड़ना, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के इसे पूरा कर देना प्लीज। लीशा, बिकॉज आई लव यू, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? इतना अच्छा नाटक रचा है जनरल साहब अंतरा ने, इसकी इस मेहनत के लिए कम से कम ताली बजाना तो बनता है ना हमारा। कमाल अंतरा, क्या कहना चाहती हो तुम गुड्डन? यही जनरल साहब कि ये वीडियो झूठा है, इसमें जो भी कुछ अलीशा ने कहा वो हर एक शब्द झूठा है, और ये सब इस अंतरा ने अलीशा से जबरदस्ती बोली है। ये वीडियो झूठा है क्योंकि ये औरत झूठी है जिंदा से। क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम बुटन? What do you want to say? यही जनरल साहब के अलीशा ने इस वीडियो में जो भी कुछ बोला है वो इसलिए बोला क्योंकि अंतरा ने अलीशा को डराया धमकाया। क्या? हाँ जनरल साहब,
अलीशा को अटैक आया जरूर था, लेकिन वो किसी बीमारी की वजह से नहीं, वो उस दवा की वजह से जो जो इस अंतरा ने अलीशा को इंजेक्ट किया। योरत जिंदल साहब, इसने अपनी ही बेटी का कत्ल कर डाला, पहले रावत जी, फिर अंगद जी, और अब हमारी बेटी, पूरे परिवार को खा गई है चुड़ैल। ये कैसे कह सकती हो तुम? अंतरा माँ है उसकी, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है जिंदल साहब, ये सच है, हमेशा की तरह आपकी गुटन सच कह रही और ये औरत झूठ जिंदल साहब। लेकिन हम जानते हैं इस बार भी अपने झूठ को साबित करने के लिए कोई ना कोई मनगढ़ंत कहानी जरूर सुनाएगी, लेकिन इस बार नहीं अंतरा। जिंदल साहब, अभी 2 मिनट पहले इसने अपने सारे गुनाह हमारे सामने कबूल किए। क्यों अंतरा, इस बार तुम्हारे ये घिसे पिटे वार ना हमारे परिवार पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार तुम्हारे झूठ का हमारा परिवार शिकार नहीं बनेगा अंतरा, समझी ना तुम? गुड्डन सही कह रही है। अलीशा की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने ही अपनी अलीशा को मारा है। अगर मैं अपनी प्रिंसेस को अपनी अलीशा की बीमारी का इलाज सही वक्त पर करा पाती तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मेरी प्रिंसेस आज भी इस दुनिया में होती, आज भी मेरे साथ होती मेरी अलीशा। सही कहा गुड्डन ने, शायद मेरी गलती है, मुझे मेरी प्रिंसेस को उसकी सौतेली माँ के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। गलती कर दी मैंने, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज अलीशा जिंदा होती ना। काश मैं ऐसा नहीं करती, और अब तो काश के अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं। अब इसी काश के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। अंदर जी, जानते थे कि ये नाटक तुम जरूर करोगी। अब कितने झूठ बोलोगी, कितने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब कहा था ना तुमसे इस पर हाथ पकड़। गुड्डन, 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 ये क्या हो रहा है मेरे घर? गुड्डन, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जिंदल, गुड न्यूज है, गुड्डन माँ बनने वाली है और आप पापा। क्या ये माँ बनने वाली है? इतनी भसड़ में भी इन दोनों को टाइम मिल गया। डॉक्टर, हम? यस गुड्डन, तुम माँ बनने वाली हो, यू आर प्रेग्नेंट। तुम्हारी प्रेगनेंसी बिल्कुल डेलिकेट स्टेज पर है, प्रीमल स्टेज, मतलब तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा काम नहीं करना, अच्छा खाना खाना है और खूब सारा आराम करना है। और हाँ, दवाई भी टाइम पर लेनी है, सो यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स, ओके? और अपना और अपने बच्चे का खास ख्याल रखना। शुरू के 3 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके?
और आप बिल्कुल भी स्ट्रेस आने मत दीजिएगा, अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा इनका। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा डॉक्टर, थैंक यू। आखिर आज वो दिन आ गया बेटा, तू झुक झुक जी मेरी बेटी, झुक झुक जी। आज मेरी झोली तूने खुशियों से भर दी है बेटा। कान्हा जी ने हमसे एक बच्चा छीन कर और उसका दुख मिटाने के लिए हमें ये वरदान दे दिया। ऐसा लगता है जैसे अलीशा वापस अपने परिवार में आ रही है। ये सब कान्हा जी की लीला है। मुबारक हो सासू माँ। थैंक यू। अब से आप जो कहेंगे हम नहीं सुनेंगे, बल्कि हम जो कहेंगे वो आप सुनेंगे। ना कोई चिंता, ना कोई काम, ना कोई स्ट्रेस, समझी? और दुर्गा दी तो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको हेल्प करेंगी। कितनी अनोखी बात है ना, सास और बहू एक साथ पेट से। अब कितना मजा आएगा, हम दोनों के बच्चे एक साथ खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, एक साथ बड़े होंगे। सोचिए। चलो भाई चलो, तुम दोनों सास को ही चिपकी रहोगी कि मियां बीवी को भी कोई अकेले में बात करने दोगे? और गुड्डन बेटा, तू तो बस अब आराम करना, घर की चिंता नहीं करनी। घर की चिंता मुझ पर और लक्ष्मी पर छोड़ दे। और लल्ला तू अभी से गुड्डन की बस परछाई बन के रहना, इसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, खासकर प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। और झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना, अगर झगड़ा करेगा ना तो फिर बचपन अपना याद कर ले, मैं अभी भी तेरे कान खींच सकती हूँ। वादा करता हूँ गुड्डन को किसी चीज की कमी नहीं होगी। गुड्डन, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो, मुझे गुस्सा करना चाहते हो या इल्जाम लगाना चाहते हो, प्लीज बाद में लगाना, क्योंकि अब तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि एक औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। तो प्लीज तुम अपना ख्याल रखो, भगवान ने जो खुशी दी है तुम्हें बस उसके बारे में सोचो। दुख तो शायद अब मेरे हिस्से है, पर ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, इसलिए कंग्रेचुलेशंस। भगवान कभी भी तुम दोनों को कोई भी बुरी नजर ना लगाए। नाउ अंतरा, इफ यू डोंट माइंड, मैं गुड्डन के साथ दो पल अकेले बिताना चाहूंगा। या ऑब्वियसली। हमारा बच्चा गुड्डन। सीता साहब, हमें यकीन ही नहीं हो रहे। अब कोई बात नहीं, सिर्फ एहसास करो। थैंक यू गुड्डन, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अलीशा हमारी जिंदगी में वापस आने वाली है। थैंक यू। हे 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 हे, रोना नहीं, डॉक्टर ने अभी कहा ना तुमसे, तुम्हें किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है गुड्डन, और अपना पूरा ध्यान तुम्हें हमारे बच्चे का ख्याल रखने में लगाना है गुड्डन, और उसके लिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें पूरे तरीके से खुश रखूंगा। जिंदल साहब नहीं, अब गुड्डन मेम साहब का टाइम आ चुका है। अच्छा। और गुड्डन मेम साहब को अभी बातें नहीं, सिर्फ आराम करने की जरूरत है। ठीक है। और तुम्हें ना अपना पूरा ध्यान रखना होगा गुड्डन, नो स्ट्रेस, नो किचन में खाना बनाना, भारी सामान उठाना, घर का काम करना, कुछ नहीं, बस टाइम से दवाई लेनी है तुम्हें और आराम करना है तुम्हें। हम जानते हैं हमारे लिए बच्चा कितना इम्पोर्टेंट है। और हम ये भी जानते हैं
कि अब ये सारी बात मनवाए बिना तो आप हमें रहने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और अब जब ये बात तुम जानती ही हो ना, तो जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना होगा तुमको। I'll make sure कि तुम और हमारा ये होने वाला बेबी पूरे तरीके से सलामत और हेल्दी होंगे। लेकिन एक वादा तुम्हें भी मुझसे करना होगा गुड्डन। हाँ? अब तो आपके लिए प्रेग्नेंट भी हो गए, और क्या वादा चाहिए? यही कि तुम अब अंतरा की और इस घर की कोई भी परेशानी, किसी भी तरीके की स्ट्रेस पे ध्यान नहीं दोगी, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मेरी कसम है, I'm so happy, गुड्डन, मैं बहुत खुश हूं। ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत ने मुझे एक बार फिर से पापा बनने का मौका दिया है। एंड आई प्रोमिस यू गुड्डन, हमारे इस होने वाले बेबी के लिए मैं वर्ल्ड का बेस्ट पापा बन के दिखाऊंगा, बेस्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू। पाका फर्ज तो हमें भी निभाना है चिंता सा, इस बच्चे की माँ होने का भी निभाएंगे, पर उससे पहले अलीशा से जो माँ का रिश्ता बनाया था हमने, उसका कर्ज चुकाना बाकी है। प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? क्या हुआ अंतरा? हमारे बच्चे की खबर सुनकर अपनी किस्मत को कोस रही हो? गुड्डन तुम आओ ना, प्लीज कम इन। क्यों इतना नाटक करती हो अंतरा? मैं पहली बार ये खेल नहीं खेल रहे हैं, पता है क्या तुम पर है ना, ये नाटक सूट ही नहीं करता। कौन देख रहा है अब तुम्हें? कम से कम यहाँ तो असली अंतरा बनी रहो। बहुत अच्छी तरह जानते हैं कैसे सांप लौट रहे होंगे ना तुम्हारे अंदर। हमारे बच्चे की खबर सुनकर, क्योंकि तुम तो यहाँ हमारे और जिंदल साहब का रिश्ता तोड़ने आई थी ना, जो कि अब और मजबूत हो गया है अंतरा। हमारे बच्चे के आ जाने से तो चलो, अब ये बात तो एकदम क्लियर है कि तुम हमारा, हमारे और जिंदल साहब के रिश्ते का और हमारे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अब आते हैं तुम पर, तुम्हारे पापों पर और उनके मिलने वाली सजा पर, क्योंकि अब माँ बनने वाली है ना अंतरा, तुम्हारे अंदर की ममता है ना इसे डबल हो गई है। हमारी बेटी अलीशा, उसके लिए इंसाफ की इच्छा है ना, अब मन में और तेजी से डबल हो गई है। माँ कहा था उसने हमें, उसे वो प्यार वो ममता दी थी हमने, जो एक माँ होने के बावजूद तुमने नहीं दी थी अंतरा, दे ही नहीं पाई थी ना, टाइम ही नहीं मिला होगा ये सब षड्यंत्र रचने से। पर अब नहीं अंतरा, अब उसी बेटी की खातिर वादा करते हैं आज हम तुमसे कि तुम्हारी ना अगले 24 घंटे में इस घर से एग्जिट और जेल में एंट्री होगी अंतरा। याद रखना अंतरा, इस बार तुम्हारा मुकाबला गुट्टन से नहीं, गुड्डन माँ से है। तुम्हें इस घर से तो निकाल कर रहेंगे, अपने बच्चे की जिंदगी पर तुम्हारा काला साया कभी पड़ने नहीं देंगे, याद रखना। 24 घंटे अंतरा।